हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, हमारे सामने है टाटा नेक्सन 2020। ये है XM वेरिएंट जो कि आपको एक्स शोरूम प्राइस पड़ता है 7,70,000 रुपये का। फ्रंट लुक देखिए, इसे मिनी हेक्सा भी बोल सकते हैं क्योंकि फ्रंट प्रोफाइल इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर दिया गया है। ये देखिए, इसके नीचे इंडिकेटर्स देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे डिज़ाइन के बना दिए गए हैं। दूसरा इंडिकेटर देखिए, वहाँ पे आपको थोड़ा सा ग्लॉस वर्क देखने को मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये देखिए, ये यहाँ ग्लॉस वर्क है और ये XM वेरिएंट है। टायर साइज़ भी प्रॉपर टायर साइज़ है, वही 16 इंचेस के आपको टायर साइज़ आपको मिल जाएंगे। बाकी डिज़ाइन थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज कर लिया गया है। फ्रंट पहले गोलाई शेप में थी, अब फ्लैट कर ली गई है। फ्रंट बम्पर भी थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। और ये देखिए साइड प्रोफाइल, साइड प्रोफाइल में आपको 209 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़रा अच्छी है एक SUV के लिए। और ये देखिए टायर, देखिए पास से, इसमें आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलते, ऐसे व्हील्स मिलते हैं सिंपल व्हील्स जो कि ठीक ठाक लग रहे हैं। इसमें आपको बॉडी कलर ORVMs नहीं मिलते, ये ब्लैक कलर के ORVMs मिलते हैं, लेकिन इंडिकेटर्स इसमें आपको मिल जाते हैं। बाकी हैंडल्स वगैरह पर भी आपको बॉडी कलर नहीं मिलता, देखिए ब्लैक कलर के मिल रहे हैं आपको। ये है रियर प्रोफाइल, रियर प्रोफाइल सेम वैसी ही है, उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए, सिर्फ टेल लाइट्स का डिज़ाइन चेंज किया गया है। ट्राई एरो टेल लाइट्स का नाम दिया गया है, ट्राई एरो टेल लाइट्स हैं ये। देखिए रियर प्रोफाइल कैसी लग रही है, नेक्सन की बैजिंग है, टाटा का लोगो है। बाकी वाइपर वगैरह नहीं मिलता इसमें आपको। ये है इसके टेल लाइट्स के डिज़ाइन। बाकी ये नीचे का बम्पर है, बाकी रिफ्लेक्टर्स हैं, ठीक ठाक डिज़ाइन बना दिया गया है। अगर ये वेरिएंट लेते हैं, टॉप वेरिएंट तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाया गया है, वो भी आप डिज़ाइन, वो भी वीडियो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इंटीरियर। इंटीरियर में आपको सिंपल इंटीरियर मिलेगा, कोई ज़्यादा ग्लॉस वर्क नहीं मिलेगा, कोई ज़्यादा क्रोम वर्क नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ थोड़ा सा ग्लॉस वर्क देखने को मिलता है। डोर काफ़ी ज़्यादा हैवी है, यहाँ आपको अम्ब्रेला होल्डर देखने को मिलता है जैसा कि टाटा ऑल्ट्रोज में देखने को मिलता है आपको। ये देखिए, बाकी ये है स्टेयरिंग, स्टेयरिंग थोड़ा सा उल्टा किया हुआ है फ़ोटोग्राफी के लिए क्योंकि टायर मैंने फोल्ड किए थे। यहाँ आपको कुछ स्टेयरिंग माउंट कंट्रोल्स नहीं मिलते, ये बहुत ड्रॉबैक लग रहा है इसमें क्योंकि इसमें आपको कंट्रोल नहीं मिलते, इको स्पोर्ट में मिल जाते हैं इस वेरिएंट में। बाकी LED टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है। स्विचेस वगैरह सेम वही डिज़ाइन है जो टाटा ऑल्ट्रोज में आपको मिल रहा है। यहाँ आपको थोड़ा सा ग्लॉस वर्क देखने को मिलता है। बाकी नोब्स वगैरह का डिज़ाइन और क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी कर दी गई है पहले के मुकाबले। बाकी ये 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गाड़ी आ रही है और यहाँ आपको एक चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है और इसमें आपको ड्राइविंग मोड्स भी मिल जाते हैं अलग अलग। बाकी यहाँ आपको स्पेस मिल जाती है थोड़ा सामान रखने के लिए, फैब्रिक सीट्स मिलती हैं, ग्लव बॉक्स मिल जाता है, कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं है, सिंपल ग्लव बॉक्स है ये। मतलब ये आपकी नीड के अकॉर्डिंग, जैसी गाड़ी आपको चाहिए, अगर आपने सिर्फ गाड़ी की नीड पूरी करनी है तो ठीक ठाक है। यहाँ सनग्लास होल्डर आपको मिल जाता है, उसे आप बंद नहीं कर सकते। तो ऐसा है कुछ इंटीरियर, सिंपल सोबर लेकिन क्वालिटी वाइज बढ़िया। ऐसी है कि यहाँ आपको थोड़ी स्पेस रखने के लिए, सामान रखने के लिए थोड़ी सी जैकेट मिलती है और बाकी जो MID है वो फुल्ली LED MID मिलती है आपको, डिजिटल MID। और ये है रियर का डोर, रियर डोर में भी आपको सेम वैसी चीज़ें मिलती हैं। बाकी 4 speakers इसमें आपको मिल जाते हैं। बाकी लेग रूम और हेड रूम सेम वैसा है। AC वेंट्स आपको रियर में नहीं मिलते, वो टॉप वेरिएंट में ही मिलेंगे आपको। यहाँ पीछे से देखने में ऐसा लग रहा है इंटीरियर आपको, देखिए। बाकी हैंड रेस्ट भी नहीं मिलती ड्राइवर के लिए, हैंड रेस्ट भी आपको इंस्टॉल करवानी पड़ेगी। ये है ग्रैब हैंडल्स पैसेंजर्स के लिए और यहाँ भी आपको पार्सल ट्रे नहीं मिलती, वो भी आपको अलग से लेनी पड़ेगी। और ये है ओपनर्स, ओपनर्स भी आपको ग्लॉस वर्क नहीं मिलता, बॉडी कलर ही मिलता है ब्लैक कलर का।
तो दोस्तों ऐसा है कुछ इंटीरियर और एक्सटीरियर। अब हम देखते हैं बूट बूट स्पेस। इसमें आपको 350 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी है अगर आपने काफ़ी सामान रखना है तो। एसयूवी के अकॉर्डिंग ठीक ठाक है 350 लीटर की। यहाँ आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है, टायर पंचर का मटेरियल मिल जाता है, यहाँ आपको लाइट भी मिलती है एक्स्ट्रा और हुक्स भी मिलती हैं अगर आपने सामान टांगना है तो। यहाँ आपको रूफ रेल्स मिल जाती हैं ऊपर जिससे गाड़ी थोड़ी स्पोर्टी लगती है। यह पैसेंजर साइड से देखने में गाड़ी थोड़ी ऐसी लगती है। यहाँ भी आपको एक हुक मिलती है, ये देखिए। पैसेंजर साइड भी आपको एक अम्ब्रेला होल्डर मिल जाता है। बाकी फैब्रिक सीट्स हैं, लेदर वर्क नहीं है सीट में। बड़ा सा डैशबोर्ड है। तो ऐसी है कुछ टाटा नेक्सन 2020। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग 5-स्टार रेटिंग एसयूवी तो आप टाटा नेक्सन को कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फ्रंट लुक आप देख सकते हैं, मैंने पहले भी दिखाई है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।